Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, class 3? I hope you all are fine. Today our work is Urdu Qawaid. Now open your Urdu Qawaid notebook. Date, Jamaat ka kaam day. Jumla ki iksam. Aaj humne karni hai jumla ki iksam. Jumla ki darja se 3 iksam hai. Kitni iksam hai? 3. Masbat jumla, manfi jumla, sawaliya jumla. Masbat jumla. ऐसा जुमला जिसमें किसी काम का करना होना या सहना पाया जाए इसे मस्बत जुमला कहते हैं. मसलन बारिश हो रही है. मस्बत जुमला यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें हाँ में हमेशा बात की गई हो वो आपका क्या होता है मस्बत जुमला. जैसे कि एग्जांपल उन्होंने दी हुई है बारिश हो रही है वो स्कूल जा रहा है. हमेशा जिसमें कोई हाँ में बात की गई हो पॉजिटिव वे में बात की गई हो वो आपका क्या होता है मस्बत जुमला. जमात का काम डेट एंड डे. दूसरा हमारा क्या था मनफी जुमला. ऐसा जुमला जिसमें किसी काम का ना करना ना होना ना सहना पाया जाए इसे मनफी जुमला कहते हैं. मसलन बारिश नहीं हो रही है. मनफी जुमला मतलब नेगेटिव सेंटेंस जिसमें हमेशा नहीं की बात की जाए ना की बात की जाए वो हमारा क्या होता है मनफी जुमला. एग्जांपल आपको जैसे कि दी गई है बारिश नहीं हो रही है. नहीं आ गया तो आपका ये क्या है नेगेटिव सेंटेंस है यानी मनफी जुमला है. वो स्कूल नहीं जा रहा. नहीं आ गया तो कौन सा जुमला होगा मनफी जिसने हमेशा ना की बात की गई हो वो आपका क्या होता है मनफी जुमला होता है. सवालिया जुमला. ऐसा जुमला जिसमें कोई सवाल पूछा जाए इसे सवालिया जुमला कहते हैं. मसलन क्या बारिश हो रही है और क्वेश्चन मार्क इसके आगे जो है क्वेश्चन मार्क भी डलता है. जिसमें कोई क्वेश्चन किया जाए कोई सवाल किया जाए वो क्या होता है आपका सवालिया जुमला यानी क्वेश्चन सेंटेंस जो होता है वो आपका सवालिया जुमला होता है. जैसे कि क्या वो स्कूल जा रहा है ये सवाल पूछा जा रहा है ना तो ये क्या होगा आपका सवालिया जुमला होगा. ठीक है आपने ये सारा वर्क जो है अपनी उर्दू कवायद की नोटबुक्स पे राइट करना है एंड इसको लर्न भी करना है अच्छे से. ठीक है अब आप लोग ओपन करें उर्दू की बुक्स. मैं आपको होमवर्क के बारे में बताती हूँ कि आप लोगों ने घर से क्या काम करना है. पेज नंबर है आपका 54. घर का काम आपकी डेट जो होगी वो मेंशन करनी है एंड डे. दिए गए मस्बत जुमलों को मनफी और सवालिया बनाएं. मस्बत जुमले दिए गए इनको मनफी जुमले और सवालिया जुमले बनाने हैं. आपने ये होमवर्क करना है. आज स्कूल में छुट्टी है से लेकर तुम मैच देख रहे हो यहाँ तक आपका होमवर्क है. ठीक है आधे सेंटेंस जो हैं आपको पेज नंबर 54 पे दिए गए हैं और आधे सेंटेंस जो हैं पेज नंबर 55 पे दिए गए हैं. आप लोगों ने ये जो वर्क है अपनी बुक्स पे सबने राइट करना है. देखिए ये टू कॉलम्स बने हुए हैं ना. मनफी जुमले जो होंगे वो आपने यहाँ पे राइट करने हैं और सवालिया जुमले जो हैं यहाँ पे राइट करने हैं. ठीक है आगे बढ़ते जाओ. पढ़ना है रुकना नहीं. शुक्रिया.